मुल्क में फुटबॉल की सरगर्मियां शुरू होने पर खवातीन फुटबॉलर्स काफी पुरजोश हैं। खिलाड़ियों का कहना है उन्हें खुशी है कि अब अपनी सलाहियतें सामने लाने का मौका मिल रहा है। बैन अल-अक़वामी इवेंट्स का शिद्दत से इंतजार है। फीफा की जानब से मुअत्तली के बाद पाकिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियां भी रुक गई थी, लेकिन अब मुअत्तली खत्म हो गई और फुटबॉल के मैदान आबाद होने लगे हैं। पाकिस्तान वीमेन फुटबॉल टीम के इंतखाब के लिए ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के बाद पंजाब स्टेडियम लाहौर में होने वाले ट्रायल्स में 30 से ज्यादा फुटबॉलर्स ने हिस्सा लिया। सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और हम भी काफी एक्साइटेड है इस इवेंट को लेकर, और हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को आज प्रेजेंट करें इंटरनेशनल लेवल पे। जी होपफुल है, देखिए हमारे पास टैलेंट शुरू से था, बस उसको एनकाउंटर करने के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए और वो हम करने लगे हैं। ट्रायल्स की अपॉर्चुनिटी तकरीबन हर लड़की को मिली और हर लड़की आकर यहाँ पे कोशिश कर रही है नेशनल टीम में आने की। काफी अच्छी बात है कि हमारी एक्टिविटीज दोबारा स्टार्ट हुई हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपने कोचेस का जो नहीं स्टैंड लिया है। फेडरेशन को काम मुतमिन है कि फुटबॉलर्स ट्रायल्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और मुकाबले की फजा बरकरार है। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इतने कम टाइम के अंदर हमारी एक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो और हम एक पॉजिटिव इमेज जो है लोगों के सामने पोर्ट्रे कर सके कि जी पाकिस्तान को आफ्टर सो मेनी स्ट्रगलिंग एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स जो है ना वी आर वर्किंग। तीसरे मरहले में विमेंस के कराची में ट्रायल्स के बाद कैंप के लिए खिलाड़ियों का ऐलान किया जाएगा जो सितंबर में होने वाली साफ वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारी करेंगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज लाहौर।